डीएम नहीं पहुंचे, प्रयागराज के डीएम भी ऑफिस नहीं थे। सीएम के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया गया। आपने देखा कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त यूपी में प्रशासन के ऊपर अपना शिकंजा कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में डीएमओ की लापरवाही सामने आ रही है। सुनवाई के आदेश भी हुए, गंभीरता से उसको नहीं लिया सरकारी जो अधिकारी, उन्होंने आदेश को गंभीरता से नहीं लेने के बाद आला अधिकारी मौके से अपनी ड्यूटी के वक्त पर मौजूद नहीं पाए गए हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेन जी इस वक्त जुड़ चुके हैं फोनों पे। वीरेन जी देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश था कि जो लोग हैं सरकारी कर्मचारी वो टाइम से दफ्तर पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर रैंडमली 9 से 11 कौन कौन डीएम अपने जिलों में नहीं बैठ रहे कार्यालयों में, इसकी चेकिंग कराई गई है जी। और विशेष सचिवों को लगाया गया था गृह विभाग के अधिकारियों को इसमें चेकिंग करने के लिए, और इसमें काफी सारे करीब 24 जिलों के डीएम अनुपस्थित रहे हैं जो 9 बजे अपने कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। बहराइच, बलरामपुर, इलाहाबाद समेत 24 जिले हैं जिनके जिला अधिकारी अपने कार्यालय में समय से मौजूद नहीं रहे हैं। तो एक तरह से ये कहा जाए कि जो मुख्यमंत्री के निर्देश है कि आप फरियादियों की समस्या सुनने के लिए 9 बजे कार्यालय में बैठ जाइए, लेकिन जब जिले का सबसे बड़ा अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं बैठेगा तो स्वाभाविक है कि शासन और सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहा है वो, और वो मुख्यमंत्री के आदेशों को भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। फिलहाल जो लोग नादारद रहे हैं उनकी रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेज दी गई है जी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी इस खबर से जुड़ी हमें अहम जानकारी देने के लिए। तो अब गुलाम नबी आजाद ने भी एनएसए अजीत डोभाल पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा